हाय गाइस, वेलकम बैक टू पावर ऑफ लव। तो जनाब, क्या बनाएंगे आज आप? अरे वाह, हम बनाएंगे कुछ ऐसा जिसे खाते हैं नवाब और इन्हें कहते हैं कबाब। कबाब? सावन चल रहे, कबाब कैसे खाएंगे? तो वेज कबाब खा लेते हैं। वेज कबाब? अरे चलिए गाइस, हम चलते हैं किचन में और आज हम अपनी मोहतरमा को खिलाते हैं वेज कबाब। देखते हैं कैसे बनते हैं। चलिए तो चलते हैं किचन में और देखते हैं इसकी रेसिपी। तो वेज कबाब बनाने के लिए मुझे सबसे पहले चाहिए होंगे काले चने। ये 2 कटोरी काले चने हैं जिन्हें मैंने पूरी रात भिगा के रखा था, और इसके साथ मैंने इसमें डाल दिया है प्याज। ये एक प्याज है जो मैं इसके साथ डाल दूंगा इसमें, और इसमें मैं डाल दूंगा पानी। अब हम डाल देंगे अपना 1/2 चम्मच नमक। तो इसको हम बंद करते हैं और मीडियम फ्लेम पे 6 से 7 सीटी लगा लेते हैं। 6 से 7 सीटी आ चुकी थी। अब हम अपना कुकर खोल लेंगे। हमारे चने अच्छे खासे गल चुके हैं। हमने क्या करना है, ये जो एक्सेस पानी है इसमें से सारा निकाल लेंगे। इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तो हम एक स्ट्रेनर की मदद से हम इसका सारा पानी निकाल लेंगे। हमने अपने चनों का सारा पानी निकाल लिया, इसमें पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। साथ में हम डाल देंगे 1 अनियन, 2 से 3 हरी मिर्च, थोड़ा सा नमक स्वाद अनुसार, 1 से 1.5 चम्मच लाल मिर्च, 1 से 1.5 चम्मच धनिया, थोड़े से 5 से 6 लहसुन, 1 से 1.5 चम्मच अमचूर पाउडर, 1/2 चम्मच गरम मसाला और 1 से 1.5 चम्मच बेसन। अब हम इस मिक्सचर को फाइनली ग्राइंड कर लेते हैं अपनी ग्राइंडर की मदद से। ये हमने अपना पूरा मिक्सचर ग्राइंड कर लिया है। अब हम इस मिक्सचर की बना लेंगे छोटी छोटी पैटीज। हम पैटी बनाने के लिए सबसे पहले तो हाथ अच्छे से धो ले और उसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के, थोड़ा मिक्सचर लेके ये आपकी एक छोटी सी पैटी तैयार है। तो हमारी पैटीज तैयार हैं। इस मिक्सचर की हेल्प से हमारी अप्रॉक्सीमेटली 10 पैटीज बन चुकी हैं। अब हमने कुछ नहीं करना, हमने एक पैन ले लेना है, उसमें 10 से 12 बूंद ऑयल डालना है और इनको सेक लेना है। हमने अपने पैन को गर्म कर दिया है और यहाँ पे हम डालेंगे 1 चम्मच ऑयल, इतना ही काफ़ी होगा हमारे पूरी टिक्कियों को फ्राई करने के लिए। ये 1 से 2 मिनट एक साइड पकाने के बाद हमने 1 से 2 मिनट दूसरी साइड पका लेंगे और ये हमारे कबाब तैयार हैं। इसे हम अपने नान, रोटी, रुमाली रोटी, पराठा किसी के साथ भी आप सर्व कर सकते हैं, और इसके साथ अगर आप एक हरी चटनी बना सके तो वो क्या स्वाद है। तो चलिए हम अपने सारे कबाब फ्राई कर लेते हैं और आप टेस्टिंग की तरफ चलते हैं। तो गाइज, हमारे कबाब रेडी हैं, हमारी मैम भी रेडी है टेस्टिंग के लिए। ये कबाब हमने सर्व करे हैं हरी चटनी, लाल चटनी और प्याज के साथ, साथ में दिया है पराठा मैम के लिए। तो मैम प्लीज बताइए कैसा है ये? वेल, आई मस्ट से प्रेजेंटेशन बहुत सुंदर है, और खा के देखते हैं। एक बाइट लेते हैं हम, लगाया थोड़ा सा कबाब, लगाई हरी चटनी, साथ में थोड़ा प्याज भी डाल लेते हैं, है ना। लखनऊ के कबाब खाए आपने? हाँ। वैसे तो नहीं हो क्योंकि वेज है, बट फील बिल्कुल वैसी है, इतना सॉफ्ट मुंह में आते एकदम मेल्ट हो गए, और प्याज के साथ पराठे के साथ बहुत ही अच्छे लग रहे हैं, और बहुत ड्राई भी नहीं है तो एकदम बटर की तरह मेल्ट हो गए हैं। स्पाइसेस भी अच्छे हैं इसमें, बहुत
तो गाइज इसके लिए अगर आपके बच्चे हैं और उनको रोल्स खाने का बड़ा शौक है तो आप इसी पैटी को यूज करते हुए आप उनके लिए कबाब रोल्स भी बना सकते हैं। रेसिपी बड़ी आसान है और चाहे सावन हो नवरात्र हो आप कभी भी खा सकते हैं। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिए, हमें अपना प्यार देते रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय गाइस।